वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम गौर परिवार का धन्यवाद करते हैं जो हर साल हमारे जो बुजुर्ग थे 25 साल से उनको जो रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाते थे, उनके रिक्वेस्ट पे वो आते थे यहाँ पे, आके यहाँ पे सब मरीजों को दवाई देते थे। इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वो आज भी सवेरे से आके यहाँ पे दवाई दे के गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा अफजलगंज हैदराबाद में आज फिश मेडिसिन का कैंप लगाया गया है। इसमें जो है तकरीबन 2000 से ऊपर लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास गुरुद्वारा साहब में आए हैं फिश मेडिसिन लेने, और उनके स्टेइंग के लिए या जितने भी लोग आए हैं पूरे नीचे जो है हमने इंतजाम किया है। 3 फ्लोर की बिल्डिंग में तकरीबन पूरा जो है फुल है यात्रियों से, पूरा लंगर की व्यवस्था, उनके गद्दा वगैरह हर चीज उनको जो है यहाँ दिया जा रहा है उनके आराम के वास्ते। और आज जो है सवेरे 10:30 बजे से दवाई यहाँ पर फिश मेडिसिन दी जा रही है। कोई भी चीज की कमी पेशी होने से यहाँ हमारे सेवादार है, उनको बोला गया कि वो संपर्क करें। और गॉड फैमिली के हम धन्यवाद है, उन्होंने जो है उनकी फैमिली मेंबर्स को यहाँ भेजा और यहाँ दवाई जो है देना जो है स्टार्ट किया। और 25 साल हो गया है ये फिश कैंप जो है यहाँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अफजलगंज में हर साल जो है यहाँ लगाया जाता है। ये साल भी ऑल ओवर इंडिया से जो है ना, जैसा कि आपको बताया है, यहाँ पर जो है ना यात्री आए हैं और इसका फायदा हो रहा है। और ये जो आ रहे हैं, ये जो पहली बार आता है वो 3 साल बराबर आता है, और वो गुरुद्वारा साहब भी यहीं पर आके स्टे करता है और जो है दवाई लेता है। सेवाओं के लिए मैंने ऑलरेडी कहा कि हर चीज की सुविधा है उनको। 2000 के ऊपर जो है यहाँ पर जो है यात्री आए हुए हैं, जो पेशेंट्स हैं उनके अटेंडर भी और साथ में हैं। इनको जो है लंगर की पूरी व्यवस्था, सवेरे चाय से लेके रात को जो है लंगर, और 24 घंटे लंगर है यहाँ पर। अगर ट्रेन जो है 4 बजे आती है तो 4 बजे यहाँ जब आ जाते हैं गुरुद्वारे तो उनको लंगर जो है दिया जाता है। और प्रबंधक कमेटी ने आज जो है 15-20 दिन से ये इंतजाम के लिए पूरा जो है प्लानिंग किया था, जो कि ग्रैंड सक्सेस गया। गुरुद्वारा कमेटी का जो हमारा श्री सत्संग का विंग है वो भी हमारे साथ है, सेवा कर रहे हैं। इंडिया से, बिहार से, हिमाचल से, दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, सारी जाति के लोग, चाहे मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ये जाति वाला आ सकता है स्टे कर सकता है, नहीं। यहाँ पर मुस्लिम भी आए हैं, अपना महाराष्ट्रियन भी आए हैं, राजस्थानी भी आए हैं, सिख भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, हिमाचल से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं। उनके उनके लिए जो है पूरी व्यवस्था ये है। 2 घंटे तक तो उन्होंने कुछ खाना नहीं है, उसके बाद एज यूजुअल लंगर का जो है प्रबंध किया गया। और जाते टाइम जब ट्रेन में जाते हैं वापस, उनके लिए स्पेशल जो इंस्ट्रक्शंस है गॉड ब्रदर का, वो हिसाब से जो है लंगर तैयार किया गया, पैक करके उनको जो है दिया जाता है। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, श्री गुरु गुरुद्वारा साहब अफजलगंज अशोक बाजार में पूरे हिंदुस्तान से मेडिकल यहां पर जो फिश मेडिसिन दी जाती है एग्जीबिशन ग्राउंड में गौड़ परिवार द्वारा, जो यात्रु पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं उनके लिए यहां पर रहने खाने और दवाई की व्यवस्था की जाती है हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, सिख कम्युनिटी की तरफ से। जहाँ पर जो लोग आते हैं उनके लिए रहने सोने खाने का हर इंतजाम, हर सुविधा उनको दी जाती है। पिछले 25 साल से ये सेवा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रहा है, और यहाँ पर गौड़ परिवार की तरफ से
उनके मेंबर्स आके ये दवाई उनको देते हैं और उनके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो जो उनको नॉर्म्स है कि उनको अरबी की सब्जी खाना है, खीमे खाना है या जो भी, तो पूरी फैसिलिटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनको प्रोवाइड कराती है। और जो लोग यहाँ आते हैं, जब वापस जाने लगते हैं, उनको दवाई और उनको साथ में जाने के लिए लंगर जो उनके नॉर्म्स के हिसाब से बनाया जाता है वो सब प्रोवाइड कराते हैं। और ये सेवा पिछले 25 साल से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हैदराबाद सिकंदराबाद की पूरी संगत के साथ मिल के कर रही है, जिसके अंदर हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है। कोई सिख आए, मुस्लिम आए, मारवाड़ी आए, पठान आए या अपने राजस्थानी आए, जाट आए, सबके लिए यहाँ पर सेम प्रबंध किया जाता है। सबको यहाँ पर रहने की मुफ्त व्यवस्था दी जाती है, लंगर दिया जाता है तीनों टाइम, और उनसे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ये कैंप हमारा 4 दिन चलता है, स्टार्ट होता है, कोई पहले 2 दिन पहले आता है, कोई 3 दिन पहले आता है, और ये मेडिसिन आज होने के बाद कई लोग 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, उनके लिए वो भी व्यवस्था यहाँ पर है, जब तक वो रहना चाहे यहाँ पर फ्री रह के लंगर छक के अपने घरों को प्रस्थान कर सकते हैं। और 2 दिन यहाँ पर रहेगा ये प्रोग्राम हमारे पास 11 तारीख तक रहेगा, 11 तारीख तक तकरीबन पूरे लोग अपने अपने जगहों को चले जाते हैं। सर ये 24 घंटे चलता है, 24/7 यहाँ पर ये सेवा उपलब्ध है। ये